भाई साहब दोलों पार कर लगे पे Everything you said made a lot of sense. Maggie, देखिए क्या ही सुंदर से बनाए हैं. I was too cold to ever love again. But every single word cut through the waves. And gentlemen, we see the distance grow. I just need to know. Do you even feel the same? Subscribe. I'm living in your head. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और सबको मतलब क्या बोलते हैं एपिसोड नंबर 2 में स्वागत करते हैं. और अभी हम लोग ये रूम खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डॉग तरफ में. और अभी टाइम समथिंग 9:30 ऐसा कुछ हो रहा है. थोड़ा सो वो लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया होगा अभी, तो अभी ये रूम छोड़ ही देगा. तो हम लोग निकल चुके हैं अभी होटल से. और देख लीजिए होटल एकदम मालूम का सामने में आप लोगों को दिखाई दे देगा. तो लेट्स गो, अभी कर लेता है पैक. I'm closer to you there again. तो चले गए, सब यहाँ से निकलते हैं. और आज का हम लोग का फर्स्ट डेस्टिनेशन है किबीटू. उसके बाद सेकेंड है आज हम लोग का काहो. थर्ड हम लोग का डोंग डोंग में थर्ड हम लोग स्टे कर सकते हैं. तो लेट्स गो, ये लोग के लिए रुक रहे हैं अभी. ये व्यू चेक कीजिए आप लोग, ये वाला क्या ही नेक्स्ट लेवल पे, क्या ही नेक्स्ट लेवल व्यू है. दो दो सेकेंड बाद मोबाइल ऑन करने मिल रहा है हमको, इतना ही दमदार व्यू सब आ रहा है. क्या ही सुंदर नजारा है, जंगल जंगल अकेले, नेक्स्ट लेवल सीन बन रहा है, नेक्स्ट लेवल. वो नदी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्या ही तगड़ा सा व्यू आ रहा है इस तरफ से. आप लोग ये नहीं देखा तो क्या देखा. हैप्पी वे वेलकम टू अरुणाचल, कहीं मिलेगा ऐसा व्यू आपको, बोलिए कहीं मिल सकता है. अल्टीमेट नेक्स्ट लेवल व्यू, साथ में ये मिनी सा मोरम सा डॉट एक्टिव है. उसके बाद साइड में देखिए मिनी स्विट्जरलैंड वाला व्यू. फर्स्ट ब्रिज आज हम लोग का ये रहा. यही रास्ता है, ओ माय गॉड. सभी हम लोग 15-20 किलोमीटर राइड करने के बाद यहाँ पे थोड़ा देर रुक रहे हैं. थोड़ा व्यू देखिए हम लोग, ये व्यू देखने के लिए अल्टीमेट है बे. और इधर का चिक इधर कैसे किया है आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए, इधर जाएगा क्या ही बोलेगा आप. देखिए क्या ही बोलेगा आप, इतना सुंदर व्यू. तो चलिए गैस, यहाँ हम लोग बोट डे फोटो वोटो क्लिक कर लिया. अभी बोट डे से यहाँ पे समथिंग हम लोग हाफ एन आवर यहाँ पे बैठ लिया है, फोटो वोटो क्लिक करके थोड़ा वीडियो वीडियो बना लिया. उसका बाद अभी निकलने के लिए तैयारी. और हम क्या ही ऑसम सा व्यू है, क्या ही बोलेगा अभी. नेक्स्ट है आप लोग देख सकते हैं अल्टीमेट, चारों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है सिर्फ, तो इसलिए मज़ा लगता है. और इधर का तो आप व्यू देख ही चुका होगा,
ये तो अल्टीमेट वाला व्यू है। तो चलिए गाइस अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया, अभी यहाँ से समथिंग की भी तो आपका 13 नहीं तो 12 किलोमीटर होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अभी हम लोग को। तो डायरेक्ट की भी तो नहीं, उससे पहले और भी दमदार व्यू आएगा तो वहाँ भी रुकेगा, पूरा एक एक पार्ट दिखाने का ट्राई कर रहा हूं आप लोगों को। तो बना लीजिए वीडियो में पूरा एंड तक चिल्ड्रन। डिस्को फोंटी ने नसी बाबे आ लगे तो चलिए गाइस दमदार व्यू से भी निकलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ रुकते रहने से भी नहीं होगा, आगे और भी तगड़ा तगड़ा व्यू है तो वो सब भी दिखाना है आपको। और ग्लव्स खोल लिया है, बहुत गर्म है म्यांमार, तो लेट्स गो गाइस अभी आगे जाते हैं, यहाँ रुकने से भी नहीं होगा भैया, आगे और भी तगड़ा तगड़ा व्यू दिखाना है आप लोग को। क्या ही बोलूं आप, ऐसे लग रहा है कि कुछ फोटो देख रहा है बोल के, बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो अभी हम लोग पहुंच गया है कटोरी बोल के लोकेशन में, छोटा सा विलेज है पर जो भी आ रहता होगा सर बहुत कुछ होता होगा लोगों को खाने पीने में, क्योंकि दुकान आसपास भी नहीं है ना ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ सुंदर सुंदर पिगी लोग हैं। तो गाइस देखिए क्या ही अल्टीमेट व्यू में रुका है हम लोग, इधर तो डायरेक्ट गया तो गया, पानी देखिए पूरा ग्रीन, उधर ब्लू, इधर पहाड़, इधर सुंदर सा रोड, इधर भी पहाड़। तो किबीतू यहाँ से शायद 2 या 3 किलोमीटर है तो पहुंच जाएगा हम लोग 10 मिनट में, उसके बाद आपको हम किबीतू नहीं तो उसका बॉर्डर एरिया में। लेट्स गो गाइस। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच गया किबीतू, दोस्त लोग का वेट कर रहे हैं, वो लोग अलग रास्ता चला गया, वो लोग मतलब गलती जगह में चला गया इसमें। और व्यू चेक कीजिए आप लोग, क्या ही सुंदर है। तो वेट अभी किबीतू का गांव में जाके मिलता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो ज़्यादा अलाउड नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग है किबीतू का विलेज में, मैगी बना रही दीदी, और वो देखिए इतना मोरम सा। तो अभी हम लोग का मैगी आ चुका है, नाइट टाइम टू ईट सम मैगी। मैगी देखिए क्या ही सुंदर से बनाया है एकदम, ये है किबीतू विलेज में की कुछ अलग तो नहीं बट होता है ना बोलने के लिए, हम लोग किबीतू विलेज में मैगी खाया है बोल के तो चलिए इसको खा लेगा गैस, उसके बाद ही मिलता है आप लोग को। तो गैस हम लोग का मैगी हो गया ख़त्म, तो अभी हम लोग निकलेगा काहो के लिए, और ये सुंदर सा व्यू यहाँ पे एकदम मज़ा से हम लोग बैठ रहे हैं। तो अभी इसको गुड बाय बोलने का टाइम आ गया, तो लेट्स को अभी मिलता है डायरेक्ट काहो का रास्ता में, क्योंकि इधर में वीडियो करना अलाउड नहीं है। लेट्स गो गाइस। तो गाइस ये एरिया का बाद में वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, यहाँ तक ही लास्ट। तो इधर का व्यू देखिए आप लोग, और अभी हम लोग वो रोड से जाएगा शायद कहो, दिखाई दे रहा है कि नहीं आप लोग को, वो रोड से अभी हम लोग कहो जाएगा, कहो द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। तो यहाँ थोड़ा मेमोरेबल फोटो सब क्लिक कर देगा, उसके बाद हम लोग निकलेगा यहाँ से कहो के लिए, और वो व्यू चेक कीजिए क्या ही सुंदर है। और ये है इंडिया, वो जो आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है वो हो गया चाइना आपका, तो उधर इतना मतलब ये जो पहाड़ है ना ये हो गया चाइना, यहाँ पे चाइना विलेज भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये व्हाइट व्हाइट करके वो हो गया आपका चाइना विलेज। तो लेट्स गो, 2-3 फोटो क्लिक कर लेते हैं उसके बाद निकलेगा यहाँ से। आप लोग एक बार चेक अभी ये सुंदर व्यू को बाय करके हम लोग जाते हैं कहो की तरफ। यहाँ में एक छोटा सा वाटरफॉल किबीतू से कहो जाने का रास्ता में, और यहाँ पे हम लोग तो ऐसे थोड़ा ब्रेक लिया था। तो लेट्स गो गाइस अभी। तो गाइस अभी हम लोग ये फिर से ये ब्रिज पहुँच गए, हम लोग जा रहे हैं वो द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। हम लोग आया था इस तरफ से, अभी जाना है इस तरफ, अगर कहो और डोंग जाना है तो आप तो कन्फ्यूज मत होइए ज़्यादा। अभी एक बहुत ही सुंदर व्यू आना है मेरा डॉट से, ये व्यू देखिए आप लोग।
लेवल, अलग ही मजा लगता है हमको व्यू देखने के लिए। तो विंड ब्लास्ट बहुत हो रहा है, मतलब साउंड भी शायद घर के आ रहा होगा, तो थोड़ा एडजस्ट करके आप लोग वीडियो को देखिए अपना स्तर। ओ भाई साहब अलग ही मजा लगता है ना, नीचे में मेरे पास ऑरेंज ऑरेंज है पूरा, फिर ऊपर में डायरेक्ट ग्रीन, फिर ब्लू, एकदम कलर ही कलर पूरा। तो थोड़ा ही दूर जाने के बाद इस तरफ एक डिवाइडर आ जाता है, इस तरफ आप डोंग जा सकते हैं, और आपको कहाँ जाना है तो आपको इस तरफ लेना पड़ेगा। तो कन्फ्यूज नहीं चाहिए, ऐसा सिंपल है वो ब्रिज से डायरेक्ट थोड़ा दूर आने के बाद में आपको डिवाइडर मिलता है, आप लेफ्ट तरफ चला जाना है तो आपको काहो मिलेगा, राइट तरफ जाने से आपको डॉग मिल जाएगा, तो ये बात याद रखिए। और यहाँ पानी सप्लाई, वाओ, वाटर क्रॉसिंग, मिनी वाटर क्रॉसिंग। फिर से हम लोग को मिल गया मिनी वाटर क्रॉसिंग, छोटा छोटा ऐसा क्रॉसिंग मिलते रहेगा आपको वाटर का। और इधर देखिए फटाफट वीडियो बना, नदी जी भी देखा, ये देखिए इधर डायरेक्ट नदी है, और हम लोग वो उधर से आया था आने का टाइम में, अभी जा रहे इधर से एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ घूमते जा रहे हैं बस। से व्यू चेक कीजिए, क्या ही तगड़ा आ रहा है अल्टीमेट। हम लोग वो रोड से आए, अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को, उत्तर से हम लोग घूम घूम के आए, और क्या ही नेक्स्ट लेवल सीन। तो चलिए ऐसे बहुत नज़ारा भी दिखाई मिलेगा आपको, बहुत बाकी है, तो निकलता अभी यहाँ से, काहो की काहो भी जाना है, डोंग भी जाना है हम लोग को, इसलिए तो लेट्स गो। तो गाइस फाइनली पोर्ट से चलने के बाद हम लोग इंडिया का फर्स्ट विलेज पे पहुंच गया, देख सकता होगा आप लोग, वेलकम यू टू काहो, द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया यही है। और भी क्या ही सुंदर है, तो चलिए गाइस अभी काहो विलेज थोड़ा घूम लेते हैं, ये है द फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, थैंक्स यू फॉर वेलकमिंग अस। यहाँ पे दस यहाँ तक लास्ट कैमरा अलाउड है, तो यहाँ तक लास्ट, इसका आगे जाने नहीं मिलता। तो चलिए देखिए यहाँ पे लास्ट दुकान है, एक इंडिया का फर्स्ट दुकान है, भी कुछ खा लेना चाहिए ना, इंडिया का फर्स्ट दुकान यही है। From within, you can light up any room without going in. Funny how just a few. तो ये दुकान ही इंडिया का फर्स्ट दुकान, देख लीजिए आप लोग, द फर्स्ट शॉप ऑफ इंडिया। I see the distance grow. I just need to know. ये है हम लोग काहो का प्लेस, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और लास्ट यहाँ तक ही जाने देते हैं, वो वहाँ पे एक गेट है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, वहाँ पे कैमरा भी अलाउड। और ये वाला है इंडिया का फर्स्ट दुकान, क्या ही सुंदर है। तो काहो में बस इतना ही था दिखाने के लिए, अभी हम लोग डोंग का तरफ निकलेगा। चलिए अभी डायरेक्ट मिलते हैं, अभी यहाँ से निकलेगा हम लोग, तो अभी डायरेक्ट मिलते हैं डोंग तरफ में। बस अभी हम लोग आए थे इस तरफ से, इधर इधर जाके आएगी अभी हम लोग का हो,
अभी डोंग जाना है तो इस तरफ में, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वेलकम टू द फर्स्ट सनराइज पॉइंट ऑफ इंडिया, डोंग वाली इस तरफ में जाना है। चिबीतू आपका यहाँ से है 12 किलोमीटर, तो चलिए गाइस अभी मिलते हैं टोंग का सफर में। पर इतना तो चलता है, इतना दूर आया और थोड़ा ऑफ रोड ना किया ये तो नहीं होता है ना। ओ भाई साहब फिर से क्या इतना बड़ा व्यू दिखाई दे दिया हम लोगों को, फिर से थोड़ा सा खराब रास्ता मिल चुका है। अभी शायद हम लोग को एक बहुत प्यारा सा ब्रिज मिलेगा, बहुत प्यारा सा, और है कि नहीं ब्रिज जो है ये रहा वो प्यारा सा ब्रिज, क्या ही सुंदर लगता है एकदम नदी का बीच में इतना मोरम ब्रिज। फिर से ये देखिए ये गांव का नाम क्या है, ये होम स्टे का मिलेगा हमें उस पर, तो कुछ जाने के लिए है ना ब्रिज व्रिज, तो थैंक यू। ऐसा सीधा रास्ता दिखाई देगा है ना, ठीक है बोल पिस्ता लग हाँ ओहो सनराइज कितने बजे जाबो लगे, दो बजे तरफ में, कितना देरी का वो ट्रैकिंग करना पड़ता है, जाएगा तो हमको बोलो आप ना आप आएगा होटल, आपको होटल चाहिए तो ना वहाँ नाम थी मैं अच्छा वाला जिला देगा, ठीक है ये भैया को बहुत बड़ा थैंक यू। अभी ये भैया हम लोग को रूम स्टे तक ले जा रहे हैं, उसके बाद यही भैया कल हम लोग को मतलब सनराइज तक ले जाएगा बोले, और सनराइज़ अगर आप लोग को देखना है ना तो ऐसे कोई लोकल को मतलब ढूंढना पड़ेगा, और वो लोग चार्ज भी लेते हैं पर आदमी का 500, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा बोलते हैं वो कुछ नहीं। रास्ता सा रास्ता थोड़ा सा खराब है, चलिए भाई भी तो सलाह लो निकल होने जा, यहाँ थोड़ा डेंजरियस रोड आई है बन। ओ भाई साह दोलोंग पार करीब लगे पे अलग पिस्ता ले ठेल शॉर्टकट बोला है पर ज्यादा ही रिस्की वाला रास्ता है। न
इतना छोटा रोड था भाई साहब, जाने में क्या होगा होगा, लंबा रास्ता चुनेगा भाई, वहाँ से तो जाने नहीं सकेगा, पता चलिए हमको आने से क्या। यू जैसे तैसे बस बाइक लोग जाने का रास्ता है, पहुंच गया क्या, अच्छा रोड तो थोड़ा सा। यही है ना, हाँ तो अगर सभी कुछ इस टाइप का व्यू में पहुंच गया। देखिए वो रिजॉर्ट क्या ही सुंदर लग रहा है, बट हम लोग यहाँ पे पूछ लेगा कि सोने का जगह है कि नहीं बोल के, नहीं होने से आगे भी है, होम स्टे भी है, रिजॉर्ट भी है, तो कहीं भी सोने का जगह अवेलेबल है, तो उसका टेंशन नहीं है। बस पॉकेट में मनी हो तब तो दिन हनी हनी हो। और कल सुबह हम लोग जा रहे हैं सियोर, हाँ मॉर्निंग सनराइज देखने के लिए। ये भैया से बात हो गया, पैसे वैसे का बात हो गया, आप लोग भी रेडी रहो देखने के लिए इंडिया का फर्स्ट सनराइज कहाँ होता है और कैसे होता है। नहीं वहाँ टेन तो नहीं मिलता है ना, बोलोगे तो आपको टेन सब दे देगा। ओ तब तो चलेगा, चलेगा हाँ। 700 रुपये बोला एक आदमी का या दो टू का? दो आदमी चलेगा, दो टेन का ना, नहीं नहीं एक टेन का 700। कितना बोला? हो जाएगा, दो आदमी बोले हाँ, तो 700 कम हो गया, वहाँ पे कम हुआ, एक रूम में 700 ना, तो चलो एक बार पूछ लेते हैं सामने होने से। तो भी है बट नहीं आपको कोई बचत होने ना, हाँ देख लेते हैं वही, नहीं वालों में मत, हम लोग का बचत जो ना थोड़ा ऐसे ऐसे हो गया, ज्यादा चार्ज कर देना तुम ये ना वहाँ, अरे यार ऐसा नहीं ना। तो चलिए गाइस आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही चार्ज ले रहे हैं, तो भैया बोले आगे थोड़ा सस्ता में मिल सकता है आप लोगों को, तो वहीं पे जाएगा हम लोग। और ये देखिए क्या है, शानदार अपार्टमेंट सब है, हाँ ये फड़े में तो खुश हूँ अभी। वही कहानी हो गया, घर के लौट के बुड्ढू घर को आए, होम स्टे में गया था, मतलब अच्छा नहीं लगा, व्यू भी ठीक नहीं था, तो हम लोग फिर यही हॉट स्प्रिंग वाला यहाँ पे आ गया। एक टेंट का 700 बोलता है, वहाँ पे दो जन सो सकता है, तो हम लोग दो टेंट लेके रेस्ट करेगा। फिर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहाएगा भी जरूर, तो बना रही जब भी एकदम दमदार होगा आज को। देखिए रुकिए टेंट वेंट पहले ले लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोग को। हम टाइप का कुछ टेंट मिलेगा आज रात को हम लोगों को सोने के लिए, और क्या ही सुंदर है पे, और वो शायद ग्रीन वाला जो है ना वो हॉट स्प्रिंग है, पर देखिए क्या ही सुंदर जगह है ये, नेक्स्ट लेवल व्यू पे। तो चलिए अभी टेंट वेंट का बात कर लेते हैं, टेंट देख लेते हैं कहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट मिलता है टेंट में ही। तो गाइस अभी हम लोग का टेंट मिल चुका है, टेंट भी रेडी है पूरा, और क्या ही दमदार लोकेशन का सामने में हम लोग का टेंट है, देखिए नेक्स्ट लेवल व्यू है इस तरफ में, और दो टेन इधर है। तो अभी चलिए अभी रेस्ट करेगा, तो वीडियो अभी कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वीडियो का यहीं बंद करता है, तो मिलते हैं आपको हम एक नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ, तो बाय हैव नाइस डे, और थर्ड एपिसोड देखना मत भूलना सी और से।